कभी कभी मियाँ बीवी को बात करते हुए भी महंगा पड़ सकता है। बताते हैं आपको किस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम का नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद, फुटेज सामने आ गई। मजीद जानते हैं सैयद सजाद कासमी से। सजाद कासमी, ये मामला क्या था? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा हिस्ट्री में एक तलबा जो उसका शौहर उसको मिलने के लिए आया, वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे हुए थे। चौकीदार ने आके उनको मारना शुरू कर दिया। चौकीदार के मारने के बाद तंजीम के 3-4 कारकुन जो है आए और उन्होंने भी शुरू कर दिया। सभी नौजवान पे इतना प्रेशर था कि वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ उनके खिलाफ कोई दरखास्त भेजेगा और खामोशी से घर चले गया। चौकीदार से माफी मंगवा दी थी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नजर पिछले सामने आ रहे हैं कि तकरीबन कभी ड्राइवर को मारा जाता है, कभी बताया जाता है। ये सूरत हाल संगीन होती जा रही है दिन भी। जब से नए वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद आए हैं, छुट्टी हुई है और बैठने के लिए इंतजामिया खामोश है। और कल जो वाकया हुआ है जिसकी फुटेज आप देख रहे हैं, इस पर कोई बड़ी भी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से तलबा में तशवीश पाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा है, लड़की और लड़का, वो इकट्ठे बैठने असर है और खौफ है। जी सजाद कासमी, ये बताइएगा कि आखिर ऐसे वाकयात क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी तालीमी इदारों में? और अगर मजीद बात करें तो यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ मैच्योर स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे भी इतना मायूब समझा जाता है कि लड़का और लड़की बात करें तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? जी, ये हैरान को नंबर है। उनके ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद कासमी, अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने इस मामले का नोटिस ले लिया है, वाइस चांसलर को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया।